और इंग्लैंड ने श्रीलंका को धमाकेदार अंदाज में हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगर टीम इंडिया ने 6 नवंबर को होने वाले मुकाबले में जिम्बाब्वे को हरा दिया तो वो सेमीफाइनल में ढाका टीम से भिड़ सकती है। भारतीय टीम की अभी तक सेमीफाइनल में जगह पक्की नहीं हुई। बता दें कि टीम की भिड़ंत रविवार को जिम्बाब्वे से होनी है। अभी भारत 4 मैच में 6 पॉइंट के साथ अपने ग्रुप में टॉप पर है, वही साउथ अफ्रीका इतने ही मैचों में 5 पॉइंट पर है। वही साउथ अफ्रीका के सामने नीदरलैंड की चुनौती भी सामने है। टीमों का स्तर देखें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका की जीत पक्की लग रही है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय टीम ग्रुप 2 में पहले और दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर रहेगी। वही T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में ग्रुप 1 की नंबर 1 टीम की भिड़ंत ग्रुप 2 के नंबर 2 से होगी, वही ग्रुप 2 की नंबर 1 टीम में नंबर 1 टीम से भिड़ेगी। यानी कि भारतीय टीम की भिड़ंत इंग्लैंड से हो सकती है। वही दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड का सामना भी सेमीफाइनल में हो सकता है। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 9 नवंबर को सिडनी और दूसरा 10 नवंबर को एडिलेड के मैदान पर होगा। बता दें इंग्लैंड ने श्रीलंका को ग्रुप 1 के आखिरी मुकाबले में 4 विकेट से हराया था। वही पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 141 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने विस्फोटक शुरुआत की, लेकिन सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद ही इंग्लैंड के बल्लेबाज जूझने लगे, लेकिन बने स्कोर्स के नए छोर संभाल कर रखा गया और टीम को अंतिम ओवर में जीत दिला दी गई। वही 44 रन बनाकर नवाद रहे। भारतीय टीम ने साल 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी से पहले ही T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता था। तब से टीम इंडिया इस ट्रॉफी से दूर है, लेकिन इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया खिताब जीतने की प्रबल दावेदार सभी मान रहे हैं। भारत के पास कई सारे स्टार प्लेयर्स हैं जो उन्हें खिताब दिला सकते हैं, जैसे कि विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव बहुत ही शानदार फॉर्म में खेल रहे हैं, वही अर्शदीप सिंह अपनी गेंदबाजी से सभी का दिल उन्होंने जीता है इस बार।